धन्यवाद। आपने द फाइनेंस बिल 2024 में मेरे को बोलने का एक मौका दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश का जो चतुर्मुखी विकास हुआ है, जिसके कारण भारत आज 11वां पोजीशन से 5th पोजीशन तक आने का एक बहुत बड़ा एक सफलता सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। और इस 2024 इंटरिम बजट, जिस बजट अंग्रेजी में कहावत है मॉर्निंग शोज द डे, अहमियाते कोई जी मूला बाढ़े तार डुपातते सिन, तो पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है, अगले टर्म में मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है देश के सामने, विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हम जो काम करेंगे उसका लेखा जोखा माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंतरिम बजट में दाखिल किया है। और ये बजट प्रो पीपुल है, प्रो पोर है, प्रो वुमेन है, प्रो यूथ है, प्रो फार्मर है। देश के सभी जो निम्न वर्ग है, निम्न मध्यवृत्त वर्ग है, मध्यवृत्त है, सभी को टच करने वाला ये बजट है। और मैं इस सदन में बोलना चाहता हूँ, मोदी जी ने अपने दूरदर्शिता जो दिखाई है, अपने दूरदर्शिता के कारण भारत जिस गति से आज विश्व प्रेक्षापट में आगे बढ़ रहा है, हम लोग सौभाग्यवान है। हम लोग पहली बार इस सदन में आने का मौका मिला है और इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमको जो सीखने को देखने को मौका मिला है, ये हमारे सब के लिए, इधर में बैठे हुए सभी सांसद के लिए सौभाग्य का विषय है। महोदया, मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, असम सहित पूरे पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश। कांग्रेस ने क्या करके रखा था, तो मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में काफ़ी पुण्य का काम किया है। मोदी जी ने अन्न दान किया है गरीबों को, मोदी जी ने जीवन दान किया है गरीबों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, मोदी ने जल दान किया है गरीबों को, मोदी जी ने गृह दान किया है गरीबों को, और मोदी जी ने रोशनी दान किया है गरीबों को। इससे भी अच्छा और पुण्य का काम मोदी जी ने किया है कांग्रेस का सूत्रा साफ करने का। कांग्रेस मतलब करप्शन, ये सबसे अच्छा पुण्य का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, तो कांग्रेस को खत्म करने का। नॉर्थ ईस्ट में विशेष करके मैं बोलना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में 3.83 लाख करोड़ पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को बजट का एलोकेशन मिला है। ये 2014 के पहले जो नॉर्थ ईस्ट को मिलता था उसका करीब 2 गुना का समान है। तो इतना हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रति मोदी जी जितना संवेदनशीलता के साथ हमको प्यार, हमको गार्जियनशिप दिया है, ये पिछले 75 सालों में किसी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हमने नहीं देखा है। महोदया जी, मोदी जी ने अकेले 65 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट आसाम का प्रवास किया है, और प्रवास के पीछे नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास जुड़ा हुआ है। प्रवास के पीछे प्रयास है मोदी जी का, ये सबसे बड़ा उपलब्धि अगर नॉर्थ ईस्ट हम लोगों ने देखा है। मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में शांति जो कायम करने का जो विषय है, 8-8 पीस एकॉर्ड मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। 8-8 लेटेस्ट जो उल्फा के साथ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल होने का भरपूर आशाएं, उम्मीदें, किरणें हमारे सामने है। इसके पहले बोरो पीसाकर से लेकर के डिमासा पीसाकर से लेकर के ब्रू रियांग पीसाकर से लेकर के अलग अलग 8 प्रकार के जो शांति सुक्ति उन उग्रवादी संगठन के साथ किया है, इसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट आज शांति के पथ पर है। 77% जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज है मोदी जी के नेतृत्व में कमी हुई है, घटी है। 82% महोदया, एक मिनट महोदया, एक मिनट, 2 मिनट दीजिए। नॉर्थ ईस्ट से कोई नहीं बोला है, अकेला मैं बोल रहा हूँ। 25 MPs से लोकसभा में, तो मैं ही अकेला बोल रहा हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में 82% जो है, जो हत्याएं हुई थी, जो इनोसेंट लोग मरते थे, आर्मी के पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मरते थे उग्रवादियों के टक्कर देने के लिए, आज 82% का कमी हुई है। यही मोदी जी है, मोदी जी है तो मुमकिन है। ये नॉर्थ ईस्ट में दिखा रहा हूँ महोदया,
मैं नोटिस मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखाता हूँ। कांग्रेस वाले करप्शन वाले थोड़ा बेच जाइए, सुनिए थोड़ा, करप्शन वाले थोड़ा बेच जाए। नोटिस को अगर खुकला किया है किसी ने, कांग्रेस का उदिरदा बैठा हुआ है। उदिरदा को पता है बंगाल से आसाम का बॉर्डर लगता है, तो नोटिस को एक रेल को मीटर गज का उसको कन्वर्जन करने के लिए 7 साल लगा दिया, 65 साल लगा दिया। और महोदय आज मोदी जी के नेतृत्व में जो मीटर गज से आज कन्वर्जन जो हुआ ब्रॉड गज में 2 times मोर देन दी 2014। तो ये नोटिस में मोदी जी का नेतृत्व, महोदय में नोटिस मोदी जी के लिए कोई ये शासन का कोई इसका विषय नहीं है। नोटिस में जो विकास, जो शांति जो आज कायम हुआ है, उसके लिए मैं नोटिस के करीब 8 करोड़ जनता के ओर से, 8 करोड़ जनता के ओर से इस सदन में मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। पूरे भारत सरकार के पूरे मंत्रियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। रेल मंत्री जी को विशेष करके मैं एक आग्रह करता हूँ, रेल मंत्री जी को मैं आग्रह करता हूँ जी, मेरे क्षेत्र में थोड़ा सा, मैंने 5 बार विषय उठाया था, मेरे क्षेत्र में रेल लाइन दरंग डिस्ट्रिक्ट को रेल लाइन से कनेक्ट किया जाए। मेरे नेशनल हाईवे 15 का उसका काम शुरू हो गया है, और NH 15 में बायता साल जी तेजपुर उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बस महोदय मैं मोदी जी को केवल नहीं, भाजपा के हर कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रपति हर कार्यकर्ताओं को मैं इस सदन से, मैं आज तहे दिल से, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। मोदी जी है तो मुमकिन है। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। गत 10 वर्षों में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण आज देश दुनिया में तेजी से